हेलो नमस्ते। इस वीडियो में हम भारतीय चित्रकला के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। भारतीय चित्रकला बहुत ही पुरानी है। भारतीय चित्रकारी के प्रारंभिक उदाहरण प्रागैतिहासिक काल के हैं, जब मानव गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी किया करता था। भीमबेटका की गुफाओं में की गई चित्रकारी 5500 ईसा पूर्व से भी ज़्यादा पुरानी है। हाल ही में SSC में एक क्वेश्चन पूछा गया कि मधुबनी लोक कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दो और सही जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे कमेंट में इसका जवाब जरूर दो। 7वीं शताब्दी में अजंता और एलोरा गुफाओं की चित्रकारी भारतीय चित्रकारी का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारतीय प्राचीन व मध्यकालीन के दौरान भारतीय चित्रकारी मुख्य रूप से धार्मिक भावना से प्रेरित थी, लेकिन आधुनिक काल तक आते आते ये काफ़ी हद तक लौकिक जीवन का निरूपण करती है। अब भारतीय चित्रकला की शैलियाँ, अलग अलग राज्यों में अलग अलग चित्रशैलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बारे में कौन सी चित्रशैली कौन से राज्य की फेमस है मैं आपको आगे बताऊँगा। भारतीय चित्रकला को मोटे तौर पर वृत्तीय चित्र व लघु चित्रकारी में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अजंता की गुफाओं व एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का नाम लिया जाता है। दक्षिण भारत के बादामी व सित्तान वसाल में भी वृत्त चित्रों के उदाहरण पाए गए हैं। लघु चित्रकारी कागज या कपड़े छोटे स्तर पर की जाती है। बंगाल के पाल शासकों को लघु चित्रकारी की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। अब जान लेते हैं अजंता की गुफाएँ। इन गुफाओं का निर्माण लगभग 1000 वर्षों तक चला। जी हाँ, 1000 वर्षों तक इनका निर्माण चला। अधिकांश गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हो चुका था और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान दो मतों में विभाजित हो गया था, तो ये जो शाखा है वो महायान शाखा से संबंधित है। एलोरा की गुफाएँ हिंदू गुफाओं में सबसे प्रमुख 8वीं सदी का कैलाशनाथ मंदिर है। इसके अतिरिक्त इसमें जैन व बौद्ध धर्म की गुफाएँ भी मिलती है। अच्छा, बाघ व एलिफेंट आई गुफाएं। जो बाघ गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और एलिफेंट आई गुफाएं आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगी। बाघ की गुफाओं के विषय में लौकिक जीवन से संबंधित है। यहाँ से प्राप्त संगीत व नृत्य के चित्र अत्यधिक आकर्षक होते हैं। हाथी की मूर्ति होने की वजह से पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया था। जो एलिफेंट आई गुफाएं हैं उनका नाम हाथी के चित्र हैं इसकी वजह से रखा गया, और बाघ के चित्र हैं इसी वजह से बाघ का नाम रखा गया। और बाघ मध्य प्रदेश में है और एलिफेंटा आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगी। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा डिटेल में, चिंता मत कीजिए, वीडियो देखते रहिए। अब जान लेते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है। मांडना जो चित्रकला है, जो घर की औरतें हैं अपने आंगन में मांडना बनाती है, और फड़ फॉर एग्जाम्पल बाबा जी की फड़, जम्बो जी की फड़, राजस्थान में लोक देवताओं की फड़ बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये जो चित्रकला है इसे आसानी से ध्यान रख सकते हो। इस प्रकार से आप मांडना और फड़ दोनों जो चित्रकारी है वो राजस्थान की है। मध्य प्रदेश में है गोंड और बाघ। अच्छा, जो गोंड जनजाति के बारे में आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और बाघ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ध्यान रख सकते हो मध्य प्रदेश में गोंड और बाघ जो चित्रकला शैली है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में कोल्लम जो वर्ड है वो तमिल से थोड़ा मैच खाता है, और तंजावुर और बृहदेश्वर के मंदिर वो आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। तो इन दोनों को इस प्रकार से कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हो। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। चलिए तेलंगाना, देखो यार, नारियल का नाम, नारियल से क्या है तेल निकलता है, तो ये रियल वर्ड है इसे याद रखना, तेल। तो चेरियल जो चित्रकला शैली है वो है तेलंगाना की। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। पंजाब, देखो पंजाब में एक जगह है कपूरथला, वहाँ जो फूलों के बगान है, भारत का फूलों का बगान, उसे बोलते हैं कपूरथला को, तो इसे पंजाब में है, तो इसे कनेक्ट करके ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा की बहुत ही प्रसिद्ध चित्रशैली है और अक्सर एग्जाम में बहुत सी बार इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। पटचित्र, यह स्थित है उड़ीसा की चित्रशैली है पटचित्र, तो इसे आसानी से ध्यान रखना और एक दो बार पढ़ लेना, क्योंकि हर एक की आपको ट्रिक नहीं बन पाएगी दोस्तों, या फिर आप धीरे धीरे कनेक्ट करके खुद से भी ट्रिक बना सकते हो। बहुत ही आसान काम है, इतना मुश्किल काम है नहीं। पश्चिम बंगाल की है कालीघाट और अल्पना।
अच्छा जो दुर्गाष्टमी है वो पश्चिम बंगाल में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। काली काली की पूजा की जाती है पश्चिम बंगाल में, और कोलकाता में एक मंदिर भी है काली का। तो ऐसे कनेक्ट करके ध्यान रखना, कालीकट, कालीघाट और अल्पना, ये जो चित्र शैलियाँ हैं ये है पश्चिम बंगाल की। कर्नाटक में बहुत ही फेमस चित्र शैली है रंगवाली। आप कैसे याद रखो कि देखो जो घर वाली होती है वो बहुत ही नाटक करती है, तो रंगवाली कर्नाटक, तो ऐसे कनेक्ट करके ध्यान रख लो, हो सकता है घर वाली सबकी नाटकी करती है। गुजरात की, अच्छा पिथौरागढ़ है ये, आपने देखा होगा गुजरात में है, और अथिया, ये दोनों जो चित्र शैलियाँ हैं ये गुजरात की है, तो ऐसे कनेक्ट करके ध्यान रखो पिथौरा और अथिया गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। थांका, ये जो चित्र शैली है ये किसी राज्य विशेष की नहीं है बल्कि पूरे हिंदू धर्म की चित्र, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र शैली है थांका, और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो थांका जो चित्र शैली है वो है हिंदू धर्म की। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में एक तो चिनकारी जो लखनऊ में बहुत ही प्रसिद्ध है, और चौकपूर्णा, ये दोनों चित्र शैलियाँ उत्तर प्रदेश में हैं, तो इनको ध्यान रखना, चिनकारी और चौकपूर्णा दोनों उत्तर प्रदेश की चित्र शैलियाँ हैं। आंध्र प्रदेश की है कलमकारी, बहुत ही बार एग्जाम में आ चुकी है, और मुग्गुलु, कलमकारी मुग्गुलु दोनों कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की, एक दो बार पढ़िए आपको आसानी से याद हो जाएगा, कलमकारी मुग्गुलु आंध्र प्रदेश। बिहार की मधुबनी का तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, अरिपन, ये जो चित्र शैली अरिपन और मधुबनी, ये दोनों चित्र शैलियाँ बिहार की है। मधुबनी का नाम आपने बहुत सी बार सुना भी होगा, तो ये जो चित्र शैली है ये बिहार की है, इसे जरूर ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा फेमस रंगोली और वारली, धीरे धीरे पूरे भारत में फेमस हो चुकी है रंगोली तो, और वारली, ये जो दोनों चित्र शैलियाँ हैं, पीछे आपको पता ही है लिली आ रहा है दोनों में, महाराष्ट्र, दोनों महाराष्ट्र की है रंगोली और वारली, दोनों से हर बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, SSC में तो लगातार इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए जो अरोफ है वो जो चित्र शैली है वो हिमाचल प्रदेश की बहुत ही फेमस है। अच्छा यहाँ पर जो नृत्य भी किया जाता है रोफ नृत्य, रोफ, हालांकि वो जम्मू कश्मीर का है, मोस्टली वहाँ पर किया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी किया जाता है रोफ अरोफ, जो इस प्रकार से ध्यान रखिए हिमाचल प्रदेश की चित्र शैली है। जलमा कलमा जट्टू, अच्छा जो ऐसा वर्ड है फॉर एग्जाम्पल मोहिनीअट्टम कृष्णअट्टम, ये जो वर्ड है ये केरल से संबंधित है, तो इस प्रकार से कनेक्ट करके ध्यान रखो। और ऐपन, ये जो चित्रकला शैली है ये उत्तराखंड की बहुत ही प्रसिद्ध है, तो तीन चित्र शैलियाँ यहाँ पर याद रखनी है, इसमें अरोफ चित्र शैली ये हिमाचल प्रदेश की है, कलमाजट्टू ये केरल की बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला शैली है, और ऐपन उत्तराखंड की बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। वो क्वेश्चन जो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था, अगर आपने जवाब नहीं दिया है, आपको पता नहीं है, तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो चित्रकला शैली है मधुबनी वो बिहार की चित्रकला शैली है, बहुत ही फेमस है दोस्तों, और अक्सर SSC में ये क्वेश्चन बहुत सी बार आ चुका है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो यहाँ पर है अंत इस वीडियो का, इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है मिल जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूँ, एक से बढ़कर एक वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, तो प्रत्येक वीडियो देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए, और भले से आप डिसलाइक कर दीजिए लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिए। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।